अभी दो साल पहले मैंने मुशु जी का एक डिस्कोर्स सुना, तो लोगों ने मुझे दबा दिया था, यहाँ सब को खुद दबाया जाता है। मैं परमात्मा तू सही है कि संसार वाले जो मेरे को बदलते जा रहे हैं, ज्ञानी है बड़े बड़े उनके सन्यासी दस करोड़ सन्यासी उन लोगों के, पर मेरा हृदय कह रहा था कि ये सही बात है। और दो साल पहले ओशो जी के मुंह से मैंने सुना, ओशो जी कहते हैं मैं कई जन्मों अधूरा था, मुझे बाबा मेरे घर में फोन किया। मैं जिस वक्त ये सुना मैंने उसको दस बार रिपीट किया क्या ओशो जी कह रहे हो, मेरी पूरी शरीर की ऊर्जा छिन चुकी थी। फिर से मैं जाग गया, फिर से खड़ा हो गया मैं फायर में, क्योंकि मैं नया कह रहा हूँ और नया कहने भी अलग है। मैं पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी को सुन के नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने ध्यान में गया तो मुझे और बोलते हैं, तो मुझे ओशो जी ने बताया कि जो मुद्रा बनाते हैं डिस्पोज करते हैं, आपने सबने देखा होगा वो मुद्रा बनाते हैं अपने हाथों में, मुद्रा बनाते हैं वो किसकी भाषा थी, जिस ओशो सद्गुरु ने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा बोलने के लिए, तो किसका मुहाम था ये मेहर बाबा 40 तारीख से बात करते थे। तो ओशो के द्वारा कौन बोल रहा था, थोड़ा सोचना, मेरी बात पर विश्वास नहीं करना यहाँ पे, यदि आपको एक्सपीरियंस हो तो परमात्मा को धन्यवाद देना और उसको आगे बढ़ाना, और यदि नहीं हो तो कल से खोज में लग जाना जहां से आपको मिलने वाला है। क्या मालूम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो उनके भी दर्शन करा हो सकते हैं, बट जब आपने पूरा पास्ट अपना पैदा कर लिया तो क्यों 10,000 कई लाख का बोझ हो रहे हो, नहीं हो हमारे लिए यही हमारे सत्य विश्वास, इनमें से एक भी तुमको मिल गया आज तुम्हारे जीवन में मिल गया।
प्रेम भी है, ये भी व्यर्थ है। ये बोलना, ये ध्यान करना सब व्यर्थ है। Sadhguru Sadhguru